वो ओ भाई क्या है ये खतरनाक भाई मूव्स देखो उसके ओ वो 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 भाई इतना फास्ट का सामना कैसे करेगी देख ले ओ Hey guys, welcome back to the Wazi and Ancient Epic. Let's continue. मयूर जो तुम कर सकते थे तुमने किया अब आराम करो और सुरक्षित रहो यस तो लास्ट एपिसोड में हमने रंगदा बॉस से बॉस फाइट की थी मतलब वो बॉस था उस हिरण्य नगरी का और उससे हरा के फिर हमने मयूर पे बैठ के हम ये कोई नई जगह आए हैं सो या यहाँ से हमें अकेले आगे बढ़ना है सो लेट्स कंटिन्यू नाउ ओके लेट्स गो हम कोई नई जगह पर पहुंच चुके हैं अभी महाबलासुर ने रहस्यवादियों से युद्ध छेड़ दिया है अपने लोगों से ही इसे टाला नहीं जा सकता उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था राजी को होशियार रहना होगा अब भी उसके समर्थक हो सकते हैं ओए क्या है ये युद्ध है और युद्ध में हर बार संभव ओ भाई क्या है ये खतरनाक भाई मूव्स देखो उसके क्या स्विफ्टली सावधान ये जीव तेजी और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। हाँ, वो मेरे को पता चल गया दूसरी स्थिति में इससे आपको खुशी हो देवी दुर्गा युद्ध की देवी लेकिन इनसे नहीं ये असुर हैं। काफी तेज थे और काफी भाई खतरनाक मूव था उसका तो इंसान था स्पेशली वो बाकी के आज तक जो भी असुर आए हैं वो कहीं ना कहीं एक एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे ओके तो किधर जाना है मुझे इस साइड लेफ्ट साइड पत्थर पे नहीं जाना मुझे लगा उधर ही जाना है तो ये बाजू वाली गलियों पे जाना है क्या व्हील्स पे पता नहीं चल रहा मुझे ऊपर भी नहीं जा रही अरे कोई रास्ता तो बताओ कहाँ जाऊँ मैं ये भी नहीं पकड़ा उसने तो क्या क्योंकि इस साइड वाली व्हील भी नहीं पकड़ रही मैंने ट्राई कर लिया ओके भाई फाइनली पहुंची ओ भाई किसकी मूर्ति ओ इससे मुझे लगा ये शंकर भगवान वाली मूर्ति है जो हमने पहले एकदम मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है महाबलासुर कभी उनमें से एक था उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है फिर से डायलॉग मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है महाबलासुर कभी उनमें से एक था उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं संतुलन बना रहना चाहिए कहाँ तक नीचे जाना है भाई ये क्या जगह है पता नहीं चल रहा किधर अभी और नीचे अरे देख भी नहीं रहा नीचे जमीन है ओके है भाई क्या जगह है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चलूं किधर चलूं भाई इतना फास्ट वो ये डिफरेंट है भाई मतलब दिखने में डिफरेंट था लेकिन सेम पा ओए अभी ये उल्टा क्यों है मेरे को मुझे ये ट्रिकिंग लग रहा है भाई थोड़ा सा पता कैसे चले क्या
साइड। वही समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसा है। ओ, इतना अब भगवान शिव को कुछ करना होगा। देखिए महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राज्य की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया? ओके ये क्या है भाई, लोग मूर्ति बन गए हैं हवा में? वो भी कि ये महाबलासुर भी पहले रहस्यवादी में से था भाई, फिर वो है उनका लीडर बनने के चक्कर में भाई वो ऐसा सब करने लगा। कहाँ जाना है? ओ भाई कैसे समझ में आया इस पर जाना है भाई, दिखता भी नहीं है ये रास्ता। ओके ओके चलो भाई अभी ये फिर से गिरा देते नीचे। ओके ओए भाई ये तो फाइट भी आ गया। ये क्या है? ओए क्या था वो? ये स्टोन्स क्यों है? अरे भाई ये हवा। ओके जल्दी ही मर गया, लेकिन वो हवा में था और मूर्ति थी भाई असुर। ओके नाग। ओ दो दो ये देखो ये, हाँ दोनों अलग है लेकिन है दोनों। कोई ये क्या है भाई साइड में? इधर कुछ था, कुछ तो भाई पर्पल कलर का आया था। ओके अरे यार ये रहा क्या है? ओ ओके इससे डैमेज हो रहा है, ये इसका पावर है ये। ओके वो निंजा जैसा है भाई, इससे भी डैमेज होता है। मेरे साथ भगवान है। ओके जहाँ पे डायलॉग आते हैं मैं उधर गिर जाती हूँ तो फिर वो फिर से डायलॉग आते ही नहीं है। ये क्या है, ये मूर्ति क्यों है इधर बीच में? ये लोग भी मेरी तरह इधर आए थे ऐसा कुछ है क्या? इधर गई मैं ये रही। ये एंगल क्यों ऐसा अलग सा है भाई इधर? अरे यार ये ओके वो आ रहे हैं भाई। ओके ये लो भाई और खत्म। वो भाई हेल्थ कितनी गई? हाँ ये क्या तुम मुझे वो? ओके ये
ये तो मैंने ज्यादा यूज ही नहीं किया है ये वाला मूव। ओके वो रुक क्यों गया था भाई। ओके ओ भाई फिर सो ये भाई इधर। हाँ ओके हाँ वो पीछे भी है भाई, वो शंकर भगवान की ही मूर्ति थी, ये पीछे भी वही है पत्थरों में जो है। ओए उधर आगे तक जाना है क्या, ये क्या है ये। ओके हाँ मंडल नहीं, हम अलग नहीं होंगे, वो मेरे साथ रहता है, अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। ये कौन है, असुर जैसा तो नहीं लग रहा है। ओके फिर से भाई चलो पकड़ लेना। ओके ओ भाई पीछे देखो, ये सच में बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है। ओके तो सुनो धीवरा सॉरी वाला वो। ओके भाई शिवलिंग भी है, क्या मस्त जगह है। आपने भगवान शिव के कुछ करने के बारे में कहा था, ये उनका मंदिर है, ये संयोग नहीं है कि राजी ने खुद को यहाँ पाया। ये तो समय बताएगा। ओके पता ही नहीं चलता कि नीचे भाई जगह है क्या लैंड करने के लिए। अरे ये फिर से आया। ओके मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, वो रैंडमली स्पॉन होता है वो। ओके ओ भाई वो के ओ स्लो मोशन में। ओ भाई 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 क्या है ये खतरनाक। अरे बाप रे नहीं, अरे यार अरे रुक जाओ भाई, इतने सारे स्पीड वाले ये आ गए। नहीं 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 काम लगेगा। ओ भाई हाफ है, हाफ पेटल पे हो अभी, गए गई गई गई। हाँ काली माँ वाली पावर चाहिए यार ऐसे तो। क्या मैं इधर से ऐसे ही जा सकती हूँ, बिना फाइट किया जा सकती हूँ मैं तो, फाइट करनी ही क्यों है ना, फाइट फिर से आएगी ना। हाँ वो आती तो है, तो फिर मैं अगर ऐसे ही जा सकती हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ क्या। अरे यार ये इतना फास्ट निकल जाता है इसको। ओके ओके वो मैंने अभी तक देखा नहीं था, लेकिन आसमान से वो फायरबॉल्स भी गिर रहे हैं जो वो भी डैमेज कर रहे हैं। ओके अरे रुक जा भाई। ओके भाई कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट नहीं चल रही है ये वाली। ओ भाई ओ ये फायरबॉल वाली
ये जो एनिमीज के थ्रू जाते हैं वो खतरनाक अब भी दिखा क्लियरली। अरे यार थोड़ा थोड़ा डीमन स्लेयर की भी याद आ रही है, तलवार से वो फायर ब्रीथिंग। ओ क्या था ये, नाइस। ओ भाई इतनी लंबी फाइट, बॉस फाइट जैसी फाइट थी ये, इतना लंबा चला। पर मैं सीधा भी यहाँ से जा ही सकती थी, तो मैं फाइट मैंने क्यों की पता नहीं। ओ अरे नहीं, ओ नाइस। ओके सो ये तो सेकेंडरी रास्ता था, तो हमें किधर जाना इधर से तो नहीं, तो यहाँ पे भाई दिखता भी नहीं है, इतना जूम इन है कि रास्ता ही नहीं दिखता किधर से जा सकते हैं। ओ शिवलिंग के पास पहुंच गए क्या हम, नहीं। ओके शिवलिंग तो बहुत ऊपर था, हम नीचे आ गए थे, काफी नीचे आ गए। ओके वो पहुंच गए हम शिवलिंग के पास, अभी पहुंचे। Jump and last jump. Let's go. What is that? Okay, jump करना है. Nice. Oh, क्या खतरनाक जगह. मस्त. Oh, क्या हो रहा है? भगवान शिव, महादेव, आपने मुझे यहाँ बुलाया है. मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। ओह ओए नया कुछ मिला। अरे 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 रुको रुको, अरे इतना जल्दी के है? ये क्या मिला भाई, पर वेपन। ओके आइसिकल रेन, मल्टीपल डेडली आइसिकल स्ट्राइक है योर एनिमीज। ओ तो ये तलवार में ही ये वाला। ओ अब ही समझी मैं ये कोई भी वेपन पे, क्या तो इलेक्ट्रिक या फायर या ये आइस जो अभी नया मिला है वो पावर अप्लाई कर सकती हूँ। ओके सो मैं कॉम्बिनेशन भी कर सकती हूँ है ना। ओके चलो, ओ फिर से आ गए। ओके सो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर अभी यूज होगा। अरे यार वो जल्दी जल्दी स्विफ्ट भाई काफी तेज। अरे भाई वो आया अपने पावर के साथ। ओके डन डन चलो अपनी वो इधर चलना कैसे। ओए किधर से जा सकती हूँ, इधर ग्रीन ग्रीन दिखाया तो है लेकिन मैं जा नहीं पा रही।
ओके सो इधर से डायरेक्ट जा, उधर से क्यों नहीं हुआ? उधर से ही जाना था, मैं इधर से पता नहीं कैसे डायरेक्ट पहुंच गई, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गए। हाँ चलो अभी, अरे इधर पानी गिर रहा है, मैं भी गिरने वाली थी। ये कितना और कितना ऊपर जाना है भाई। ओके आई थिंक हम फाइनली एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। ओके पहली बार में सक्सेसफुली। उसका बच्चा, उसका भाई, उसने महाबाल असुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक संकी जीव है, वो राजी को तो हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। अरे यार, सो गोलू से फाइट होगी क्या फाइनल? नहीं, क्या ही करवा लेगा वैसा? तो क्या वो विजन था क्या हमें जो दिखा था, गोलू को असुर में बदलते हुए जो दिखा था हमें? अरे नहीं, बाकी अभी इजी फाइट तो नहीं थी। अरे अरे निकलने दो भाई, फंसा दिया। ओके ओए वो फंस गया क्या उधर? ओके खत्म हो गया। अरे हाँ ओके, हैंड पैन का म्यूजिक चल रहा है भाई। और बीच में जहाँ हम शिवलिंग के पास पहुंचे थे वहां पे डमरू भी बज रहा था। ओके वो अभी सामने। ओके सो क्या अभी वहां? ओ ये तो बंद है, तो पहले किधर जाना है? हाँ मैं पूछ रही थी कि क्या अभी ये महाबलासुर ये फाइनल एपिसोड है कि क्या ये फाइनल एपिसोड है और अभी बॉस फाइट जो आएगी वो महाबलासुर वाली ही आएगी? हो सकता है क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही उसका रेफरेंस आने लगा। तो इधर तो नहीं जाने दे रहा, रास्ता बंद है आगे। तो फिर नीचे भी कोई रास्ता मुझे दिखा नहीं। अरे यार ये क्या साइड में रास्ता, ये कैसे मिस कर दिया मैंने। हाँ चलो एक और मंडल। छाया से पैदा हुए दो लोग कई लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। बाबा हमारे पूर्वजों के विश्वास का मतलब क्या है? सूरज के किरणों से पैदा हुए दो लोग, क्या ऐसा कुछ था ना? याद भी नहीं रहा क्या था, पर मतलब मैं समझ गई ये इन दोनों की बात हो रही थी, राजी और गोलू की।
रखी। ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। ओ, ये नहीं पता था मुझे। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर, कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा, और तब वीरभद्र निकले, शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया था। अश्वत्थामा का जन्म द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहु उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा, उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते। ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती जी। हाँ, ये स्टोरी तो पता है। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। ये पीछे रास्ता बंद हो गया, ऐसा पहली बार हुआ है, पता नहीं। ओके, रहस्यवादियों का घर तोड़ दिया भाई। अरे कोई है ही नहीं उधर। ओके, अरे ये फिर से आ गया। ओके, अरे कितने भाई ये कुछ।
अभी इतनी लंबी लंबी फाइट आ रही है। अरे अरे यार, शिट शिट शिट, अल्टीमेट। नहीं यार, वेपन का पावर चेंज किया, देखते हैं भाई कुछ फर्क पड़े तो। फ्रीज, एनिमी को फ्रीज करने वाला मैंने बढ़ा दिया था। ओके ओके, फ्रीज हो गए हैं भाई दोनों तीनों। वो वो ओके, ये मस्त है भाई। ऊपर से आइस भी गिर रही है, वो बर्फ गिर रही है, आइस भी गिर रही है। ओके 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 ओके, यस 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 यस, उसको फंसा लिया मैंने। नाइस भाई। अरे यार ये आया ना फिर से। ओके अल्टीमेट यूज करो, इसको खत्म करो पहले, ये बाकी के तो हो जाएंगे। ओके वो हाँ भाई, सारे कॉम्बो सारी पावर्स यूज कर ली। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। क्या युद्ध अच्छा नहीं होता, इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। ओके ओके, नीचे जाना होगा शायद। ओके कुछ सिंबल ऐसा कुछ दे तो समझ में भी आए कि नीचे, हाँ भाई जा सकते हैं। धीमे धीमे जाना पड़ता है, संभल संभल के। ओके ये मिस हो जाएगा। वाह ओके, बहुत सारी भाई, फुल पावर हो जाए। मुझे लगता है महाबलासुर आते आते हमको सारे ऑब्स मिल जाएंगे, एकदम पावरफुल हो जाएंगे। ये क्या आग चल रही है इधर? ओ, क्या है? नहीं, ये बेचारे लोग, मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी? मैं अरे बचा सकती थी, ये किस शैतान का काम है? मुझे भी डॉच करने में इनकी तरह फास्ट रहना होगा था तो मैं जीत पाऊंगी भाई इनके सामने। जब ये रुकते हैं तब मेरे को भी रुकना होगा। अभी ये इसने ये स्टार्ट किया तो मैं ओके 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 ओके, अभी मौका है, वो फ्रीज हो चुका है। ओके ओके, वो फ्रीज हो जाए एक बार फिर इजी हो जाएगी। और जब वो फायर वाला अपना वो यूज कर रहा हो तभी मुझे डॉच ही करना है। ओके इस साइड जाना है। ओके
ओके भाई, अल्टीमेट ही यूज करना है हमें। कितना तेज भाई, खतरनाक था ये। ओके खत्म हो गई। इधर जहाँ ज्यादा लोग आते तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, वहां दो ही बार आए भाई। त्रिशूल है भाई उधर, त्रिशूल। भाई कितने सारे लोग फ्रीज हो चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं। तो गायब क्यों हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं या भाई इसके टच होने पर गायब हो रहे हैं? तो ये जिंदा आ गई। वो बच्ची है भाई, ये भी छोटी बच्ची। नहीं, उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबाल असुर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। ओके ओके भाई, महाबलासुर से वादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं रुकेगा। सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा। क्यों भाई, क्यों करना है ऐसा? ये क्या? रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा। कौन सा रहस्य? कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे थी क्या भाई, जो नहीं देनी चाहिए थी? भाई गोलू, गोलू ने सब देखा। तो अभी तो वो ठीक ही लग रहा था। ओके चलो, वो सारे फूल बन गए हैं। साथ दिखाने देख रही हूँ, मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी। रहस्यवादियों का सरदार बहुत समय तक महाबालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। सो जो सरदार है रहस्यवादियों का, वो भी बचा हुआ है। मुझे लगा सारे ही मर गए। इनके लिए भाई अल्टीमेट ही यूज करना है, वही इसी रहता भाई। एक बार दो अटैक में खत्म, अगर अल्टीमेट पावर यूज करती हूँ तो। क्या
नाग पत्थरों के पीछे कौन है? ओ भाई अचानक इतने तो ये बॉस फाइट आ गए क्या इतनी जल्दी? तुम मुझे रोक नहीं सकते। कैसे लड़ना है या क्या भाई? तो ये छुपी हुई है भाई राजी, तो वो क्या करना है? वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है, वो उसका शत्रु नहीं है। ओके, ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। ओके, नहीं लड़ना है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। अच्छा, राजी को उसका भरोसा जीतना होगा। कैसे? ओए वो भाई आगे आके देख लिया उसने। ऐसे नहीं करूंगा घुसपैठिए। अरे मैं तो मदद करने आई हूँ यार। ओके वेट वेट, कितना ओ भाई? ओके ओ भाई पीछे तक जाना है भाई, उस साइड तक। ये ऐसा ओए ओए देख लिया क्या? घूमने दो, पूरा घूमने दो। ओके वहां तक जाना है भाई, पूरा घूम के। भरोसा कैसे जीतना है? लेकिन शंख शायद से रक्षक शांत हो जाए। ओके वो उधर शंख है। ओके कुछ जो दिख रहा है। ओके इजी ही है बचना, बस उसका वो टर्न हो, उसकी राह देख लिया। अनलेस कि वो कुछ अलग ही भाई कर दे, और रिस्क ले लिया भाई मैंने दो बार जाने का। ओके ओके अरे यार ओके ओके अभी चलते हैं। ओह वो हुआ नहीं था, वेट। ओके अभी चलते हैं, चलो चलो चलो। के वो अभी भी बाकी है घूमना, पूरा निकल लेता है, रिस्क ले लेता है। ओए अभी भी नहीं हुआ। ओ भाई तीन। ओके कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया, पर ठीक है बच गए। क्या मैं अभी पकड़ी जाऊं तो मुझे फिर से पहले से स्टार्ट करना होगा क्या? ओ ओए हाँ नहीं पकड़ा उसने, देखा फिर भी कैसे? उसको भरोसा हो गया क्या ऑलरेडी? शंख वो क्या, आई थिंक उसको पता चल गया है कि हम भी उसके साइड पर ही हैं, हम भी उनको बचाना चाहते हैं रहस्यवादियों को। अभी हम नाग पे ट्रैवल कर रहे हैं भाई। अनएक्सपेक्टेड था ये। ओके सो हमने उसका भरोसा तो जीत लिया है वैसे। नाइस। वो भी प्रोटेक्ट ही करना चाहता है, सो सेम टीम में है हम। असुरों के मुखिया की जिंदगी खतरे में थी भाई, अभी तक क्यों बचा के रखा था उसको?
मारा नहीं था इसने। ओ हम पहुंच गए, लेकिन राजी ने कदम आगे बढ़ाया। वो तो और आखिरकार उसका ओके फाइनल, एकदम फाइनल बॉस फाइट आ रही है। उसने आक्रमणकारी पर हमला किया, लेकिन इसके जवाब में उसने राजी को घायल करके जमीन पर गिरा दिया। उसका शत्रु चौंक गया, राजी ने उसे चोट पहुंचाई। ये तो असंभव था। गोलू ने मौका देखा और वो अपनी बहन की तरफ दौड़ा, जैसे ही उसका शत्रु गायब हुआ। ये क्या भाई, सारी स्टोरी में कैसे जा रहा है ये? राजी मौत के करीब थी, लेकिन वो अब रहस्यवादियों के बीच थी, जो जादू के सबसे बड़े जानकार थे। बॉस फाइट तो आप और गोलू भी हमारे पास आ गया, तो फिर क्या हुआ? अगर वे उसे नहीं बचा पाए तो कोई नहीं बचा सकता। ओके रियूनाइटेड। आखिरकार वो गोलू के साथ थी, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं था। ओके अगर आपको भी मजा आया, देन यू नो व्हाट टू डू, गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, ऐसे ही और गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आगे जब भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही बहुत सारी गेम की गेम प्ले वीडियोस की वीडियोस मैं बनाती हूँ, जिसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सो यू कैन चेक देम आउट। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। Bye.